मॉर्निंग पीपल, अनदर डे अनदर व्लॉग। आज का दिन हमारा यार नारायण में ही गुजरेगा। सुबह हो चुकी है, अभी हम सब तैयार हो चुके हैं, अभी जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। इसके बाद क्या सीन है कि यार हमने जाना है आज बाबू से टॉप, और रात हम देख रहे थे इधर ही -1 हो रहा था, और ब्रो उधर जाके क्या होना है आई रियली डोंट नो, क्योंकि फादर मुझे डरा रहा था इट विल बी लाइक -9। मुझे लगता है वो झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि इस तरह के मामला वो झूठ नहीं बोलता। खैर बाहर का नजारा चेक करो यार, हमने इधर स्टे किया मिलेनियम इन में, जैसे कि तुमने लास्ट व्लॉग में भी देखा था। ये हमने इनका लिया था रिवर साइड रिव्यू वाला स्वीट, जिसके सामने तुम लोगों को वो बेसिकली सामने रिवर जाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत फिट किस्म का सीन है, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, इनकी क्लोजिंग स्टार्ट होने वाली है, मतलब ये लोग बता रहे थे कि हम लोग जी अक्टूबर एंड या नवंबर 7 तक क्लोज करके सब कुछ मतलब अपना लेके बाकी अपने घरों को चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी होना शुरू हो चुकी है, बाबूसर टॉप पे भी हुई है, और यहाँ पर जो है सीन खराब होने वाला है। इसलिए इन्होंने जी अपना सामान वगैरह बांध के अपने घरों को चले जाना है। हम मतलब बहुत सही टाइम पे आ चुके हैं, अगर एक हफ्ता लेट हो जाता तो मतलब हम यहाँ तक ना आ पाते। अच्छा, फिर सिर्फ हमारे पास ऑप्शन थी कि यार शुग्रान तक रहो, वहां से हो और वहीं से वापस चले जाओ। खैर अभी देखते हैं, घर वाले भी तैयार हो चुके हैं, अभी चलते हैं नाश्ता करने। ये फाल भी बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं, साथ अपना ये कुछ देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग अपना नाश्ता देखेंगे। ठीक है, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनल ही हैं, और मुझे लगता है मेरी पसंद अब कुछ भी नहीं है। हलवा है, चने हैं, आलू भुजिया, ऑमलेट एंड पराठा, और मैं इसमें से कुछ भी नहीं खाती ब्रो, आई डोंट इवन लाइक एनीथिंग। मैं इतना ज़्यादा नाश्ता लेके आई हूँ कि तुम लोगों ने देख के घबराना नहीं है। मतलब ब्रो, दिस इज़ चने, दिस इज़ आलू भुजिया, दो हमने स्लाइस ब्रेड के ले लिए, एंड दैट इज़ जैम, और मतलब मुझे कुछ अच्छा समझ में नहीं आया, सो बस ठीक है, इतना ही गुजारा कर लेते हैं। भाई छोटे भाई साहब के अजीब वखरे काम शुरू हो जाते हैं, मैं तुम लोगों को बताऊँ। हम ठंडियानी वाले टूर पे गए, भाई साहब ने बेल्ट नहीं रखी, हम इधर आए हैं टूर पे, भाई साहब ने बेल्ट नहीं रखी, मतलब व्हाट इज़ दिस बिहेवियर फादर भाई। अभी ये गया हुआ शॉप पे, ठीक है दुकान पे, और अब इसको लोकल बेल्ट खरीदी है, अब इसको समझ नहीं है भाई, तुम्हें यहाँ से ब्रांडेड मिलनी है, अब कितना टाइम लगा रहे हो, अब जो है अवेलेबल है वो खरीद लो। हाँ जी, अम्मा आधी हिमायत कर रही है, अम्मा कितने यार। हाँ पापा, देखे जी जो जिसको काम जिस वक्त तो उसी वक्त करना है ना, तो मामा भूलिया क्या ओदी गलती ना, अपनी इस माही को समझाएं नहीं उसके लिए भूल भी रहे। जो भूल गया ना, अब उसका क्या कर सकते हैं। ये हाँ जी लभी थानू कोई ब्रांडेड बेल्ट इतो केड़ी ला ले तुसी अच्छे ब्रांड दी किथे लाई है जिथे लाई दी पेड़ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਕਲਮੰਦ ਇਨਸਾਨ काम चेक कर रही माँ। ब्रो दिस इज स्टोरी टाइम, रुको हम ऑल्टा वाले को छोड़ के बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। देखो मैंने भी अपने घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश की है थोड़ी सी कि यार 5 चाइना बॉर्डर चलते हैं, मतलब समझ रहे हो तुम लोग। नारायण सो फ्रीकिंग कैजुअल फास्ट भाई, बाबूसर टॉप, जैसे कि तुम लोगों को थोड़ा सा गाइड किया था मैंने, नजारे चेक करो भाई, बहुत फिट सीन है। व्यूज है। अच्छा व्यूज ही व्यूज आ गए, पता लगेगा कि कितने व्यूज है। ओए ये वाले नजारे ही नजारे वाले व्यूज, वो तो आने नहीं आने अल्लाह को ही पता है। मैं इसको कन्विंस कर रही हूँ भाई, पाक चाइना बॉर्डर का व्लॉग डालते हैं ब्रो, क्या पता व्यूज आ जाए। यू नेवर नो कि आपका कौन सा व्लॉग आपको धोखा देगा और कौन सा चलेगा। अच्छा मुझे जिस पे लगता नहीं ये चलेगा उस पे व्यूज ही नहीं पड़ते, उस पे आते ही नहीं है। खैर ये हमारी दुख भरी कहानी, तुम लोग जो कि सुनते रहोगे और चलती रहेगी। तो ब्रो ये वो एरिया जहाँ पे हम 2 साल पहले फंस चुके थे, हमने यहाँ पे स्टे किया था, 2 दिन हमें यहाँ स्टक रहना पड़ा था यार, सैलाब आ गया था, बारिश हो गई थी, रास्ते बंद हो चुके थे, तो तब से यार ये बन चुके थे हमारे बेली। ठीक है वो वाले रूम से हमने स्टे किया था। फायर भाई किधर है? हाँ हाँ वो पिछू पानी जो एक चुन गया वो, मतलब पूरा रास्ता बंद सी, सीन बहुत ऑफ सी, बहुत ख़राब सी, और इस एरिया में ब्रो एंड लेवल सर्दी पड़ती है, मतलब आप डबल कोट पहन लो, कुछ पहन लो, मतलब सर्दी कहती है भाई मैं नहीं रुकने वाली। रात का निज़ाम बड़ा ख़राब होता है यहाँ पे। अभी तो है जी धूप निकली हुई है अच्छी खासी, ठीक है चाय शाय पीते हैं और फिर आगे को निकलते हैं।
देखियो मेरा काम, जुत्ती उतारांगे ठीक आ, ते आपां करना है ए क्रॉस, ए देखियो मम्मा। भाई साहब इतने पाव ठंडे हुए ना कि मेरी जान निकल रही है, और ये गंदे भी हो चुके हैं, अब इसको साफ करके दोबारा हमें जूता पहनना पड़ेगा। हाय हाय, एक दो शॉर्ट्स लेने थे लिए, फिर से पाव ठंडे करो। हाय इतना ठंडा पानी है ब्रो कि आई कैन नॉट इवन टेल यू। बाद भाई साहब हमारे साथ आज थोड़े से नाराज़ फिर रहे हैं क्योंकि इनकी पिक्चर्स में अच्छी नहीं ले रही। इनकी पिक्चर्स लेने में हमने अपना नाखून एक तोड़वा लिया, लेकिन भाई साहब अभी तक राजी नहीं है हमसे। फाद भाई बहुत बहुत ख़राब ली है मैंने पिक्चर्स। हूँ गल इस तरह वह बंदा जिदा का उदा तो ही आना, हूँ की कैमरा कर लेगा यार, की कर लेगा। अच्छा नहीं मैंने अभी पिक्चर्स बना ली है, नहीं हम नहीं कैसे थे फादर, मेरी गलती, आई वॉज एट फॉल्ट। One hour later. भाई साहब व्यूज चेक करें, ये है हमारे पास जी लुलूसर झील, ये छोटे भाई साहब व्लॉगिंग करते हुए, ये मेरी प्यारी सी अम्मा, और ये प्यारे से नज़ारे, और ये प्यारी सी मैं। अभी हम लोग जा रहे हैं यार, अभी तक बाबू सर टॉप नहीं पहुंचे, मतलब मैं कितनी दफ़ा बता चुकी यार, दिस इज नॉट मम्मा, इस तरह के लफ्ज़ नहीं बोलते, फिर पता है मुझे यहाँ बीप लगानी पड़ेगी, मैंने गलत लफ्ज़ बोला है सेंसर्ड। भाई मेरी फरमाइश पे आए थे, अगर हम बाबू सर टॉप पहुंच गए उससे थोड़ा सा आगे आए हैं, और ये मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा है अपने व्लॉग में, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर, मतलब आज पूरे व्लॉग में बल्कि टूर पे सारे टूर पे आपकी बहन की बेइज्जती होती है। ये खैर यहाँ पर जी पड़ी हुई है स्नो, अभी तुम लोग को व्हाइट कलर नजर आ रहे हैं, दिस इज स्नो बेसिकली राइट। अच्छा मैं इनको कन्विंस कर रही हूँ गिलगित चल के स्टे करते हैं, बट मेरी नहीं मानते मेरे घर वाले। मम्मा वेयर आर यू? बेटा मानते हैं लेकिन फूफो ने बहुत सारे काम निपटाने हैं। फुफो नहीं, दिना का फर्क नहीं पड़ना, जब गिल के जाके रुकते हैं दिना का फर्क नहीं पड़ना। तो जैसे कि भाई सुबह से लगाया हुआ था बाबू सर टॉप फाइनली जी पहुंच गए हैं। 4 डिग्री टेम्परेचर है, बट ब्रो ये इतना पता नहीं चला, हवा बहुत ठंडी है लेकिन धूप भी बहुत ज्यादा तेज है। भर भर के सनस्क्रीन आपकी बहन लगा के आई थी, क्योंकि जी क्या होता है कि स्किन बर्न हो जाती है, और बर्फबारी भी हुई है यहाँ पर, सारे स्नो गिरी हुई है यार। कुछ शॉर्ट्स भी लिए हैं, होप कि आप लोगों ने देख लिए होंगे। अभी कुछ खाते पीते हैं, लंच करेंगे यहाँ पे, उसके बाद जी वापसी निकलेंगे नारान के लिए और देखेंगे कहाँ स्टे करना है, क्या चीजें हैं। A few moments later. मेरी प्यारी मम्मा पैक हो चुकी हैं, क्या ख्याल है मम्मा? आप है, तू भी पालो कुछ फिर यार, हवा बहुत ठंडी है ना फाद भाई। ब्रो हर दफा आते हैं, हर साल चक्कर लग जाता है, फिर भी मैं इसको कह रही थी ऑक्सीजन की कमी है, सैचुरेशन खराब हो रही है, कहते हैं तुम पागल हो, दो दफा आती हो साल में, तो धूप लेकिन सेके पड़े हैं यहाँ, मुझे सेके पड़े हैं अपने मुंह पे। बट खैर अभी कुछ खाना पीना करते हैं, पानी आ चुका है साथ, हमने थोड़ी सी फ्राइज ऑर्डर की है। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ अच्छा समझ नहीं आ रहा, मिंट वाली बबल गम खा रहे थे, दूसरा पानी पीता ना तो इतना ठंडा लग रहा है जितना बर्फ पड़ी है। दिया मिंट बबल दे, उधर से पानी पियो ना, मजे ठंड लगती है। फूफो भी आ चुकी हैं, हे ठंड तो नहीं लग रही, अजीब भाई। आप बाबू सर टॉप आओ और ऐसी टिपिकल चीजें ना खाओ, अपनी डाइट खराब ना करो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये हम जरूर खाएंगे। तो हाँ जी भाई क्या हाल चाल? भाई हम बाबू से टॉप से होके वापस आ गए थे, रास्ते में मैं सो गई और मेरे भाई ने मेरा सर भी मरवा दिया, मतलब मैं सो रही थी तो मुझे ऑब्वियसली पता चला ऐसे 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 रास्ते थे, रोड जी काफी खराब हुई हुई है बाबू से टॉप जाने के लिए, जगह जगह से ज्यादा पैचेस खराब हो गए हैं। पिछले साल ऐसा नहीं था, बहुत अच्छी थी, बेहतरीन थी। मैंने कहा चलो इस हवाले से भी थोड़ी सी अपडेट देते हैं। अभी हम लोग रुके हैं बट्टाकुंडी, इधर जी सिरीमाला टिक्का हाउस, यहाँ पे जी मेरे सामने घर वाले हैं, इन्होंने जी खाना शाना खाना है, चाय शाय पीनी है, मतलब चाय से ब्रो इन ये थकते नहीं है, इस बात से मैं परेशान। तो मैंने कहा यार चलो तुम लोग जाओ, अपन बैठता है गाड़ी में, ठीक है हम गाड़ी में रेस्ट करेंगे और ये लोग चाय शाय पी के आ जाते हैं, तो वापसी निकलेंगे नारान के लिए। 2000 years later. तो भाई
ये भी क्या सीन है कि हम लोग आ चुके हैं होटल में, वी हैव चेक्ड इन द मेज़नेट होटल. ये मैंने लाहौर में एक दफ़ा देखा था, मतलब बहुत अच्छा फिट सीन था. ये वाला भी ठीक ठीक है, मतलब ऑब्वियसली एरिया वाइज तो थोड़ा यू नो फ़र्क पड़ता है, शशकों वशकों का चेंजेस आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली बंद रहता है जब सर्दियाँ पड़ती हैं, बर्फबारी हो जाती है, तो मेंटेनेंस उस लेवल की नहीं हो पाती है इन होटल्स की, बेशक वो चेन होटल्स हों, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फिट सीन लग रहा है मुझे. और हम आज यहीं पे स्टे करेंगे. आज का व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया. सारा दिन भाई कुछ खास नहीं किया, बाबू से टॉप गए फिरे और कोई भी खास चीज़ें नहीं थी. तो जी आज का व्लॉग हम यहीं पे अब एंड करेंगे. आई विल सी यू गाइस टुमारो. अंटिल देन टेक केयर, लव यू, बाय.